बुधवार 27 दिसंबर को केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया है। सरकार ने ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत की है। संगठन पर आरोप है कि उस संगठन के सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और लगातार आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकवादी गतिविधियों का लगातार समर्थन करते हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों को इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए फोर्स करते हैं। आगे शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जो भी हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था। मसरम आलम भट्ट एक कश्मीरी इस्लामी कार्यकर्ता है और जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मसरत 2019 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 50 साल के मसरत के खिलाफ आतंकी फंडिंग केस में मामला दर्ज किया है। जब 2010 में कश्मीरी घाटी में हिंसक देश विरोधी प्रदर्शन हुआ था, तब उस प्रदर्शन में मसरत ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उसे उसकी कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इस विरोध प्रदर्शन में 120 से अधिक कश्मीरी युवा मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसरत के खिलाफ 27 FIR दर्ज है और इसके अलावा उस पर 36 बार PSA के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। बता दें, मार्च 2015 में मसरत आलम को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उसने जम्मू कश्मीर में हुई एक रैली में पाकिस्तानी समर्थक नारे लगाए थे। इस दौरान मसरत को देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और तब से ही मसरत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।